बेटा अटल राना स्कूल जा रहे हो? जी चाचा, आज पहला दिन है अंग्रेजी विद्यालय में। अरे वाह, पहला दिन है तो ताजी बनी मिठाई खा के जाओ, लो। और हाँ, एक बात सुनो, बहुत मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? मिठाई तो खा ली चाचा, पर पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अटल बेटा, तुमसे पैसे कौन मांगता है? और वैसे भी मिठास बेची नहीं जाती है, मिठाई बेची जाती है। और मैं तुम्हें मिठाई थोड़ी दे रहा हूँ, मिठास दे रहा हूँ। ये सब मत सोचो, जल्दी जाओ विद्यालय, देर हो रही, चलो भागो जाओ। जी। Congratulations, आपके बेटे अटल अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। लीजिए मिठाई लीजिए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अटल, अरे प्रणाम बाबूजी, आज मेरा अंग्रेजी विद्यालय में पहला दिन है। मैं जानता हूँ बेटा, लो मिठाई खाओ, चलो जरा बैठ कर खाते वहाँ पे। बाबूजी, आपको पता है मुझे मिठाई वाले काका ने भी मिठाई खिलाए और बिना पैसे मांगे। अच्छा, अपने बाबूलाल जी ने? हाँ। और झोले में क्या लेकर आए हो? पुस्तक, लिखनी पुस्तिका और पेंसिल। झूठ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, खाओ। बाबूलाल जी ने सिर्फ मिठाई नहीं, मिठास दी है तुम्हें। इसका मतलब है इस झोले में तुम बाबूलाल जी की उम्मीदें लेकर आए हो। तुम्हारी माँ, दादाजी, भाई बहन, सब परिवार वाले, उन सब के सपने आशाएं लेकर आए हो इस झोले में। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे, तो इन सब लोगों के सपने तुम्हें पूरे करने होंगे, उनको लौटाने होंगे। अगर बाबूलाल जी ने पैसे लेकर मिठाई दी होती तो बात अलग थी, लेकिन जब कोई मिठास देता है ना, तो उसका ऋण बनता है बेटा, और उसे चुकाना होता है। ध्यान में रखोगे ना? जी बाबूजी। खाओ। कक्षा का समय हो गया है, अब जाओ। जी बाबूजी। इंग्लिश पढ़ाने के लिए काबिल अध्यापक हूं मैं, मगर मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ती है। इस बात का दुख था और है, लेकिन आज मेरे बेटे को उस तरफ जाते हुए देख मेरा दुख कुछ कम तो जरूर हुआ है।
जोकर। आए हो तो कुछ कर कर दिखाओ, कुछ तमाशा कर कर दिखाओ, हमने तुम्हारा वेलकम किया है। नहीं, मैं जोकर नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ, यहाँ पढ़ने आया हूँ। विद्यार्थी? You mean student? तो धोती कुर्ते में क्यों आए हो? वो मेरी स्कूल के पोशाक अभी सिली हुई नहीं थी, इसलिए धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। नहीं सिली थी तो बिना कपड़ों के आ जाते। अच्छा मार्क, तो जब यहाँ पे ये आ ही गया है तो क्यों ना इसको पकड़ के इसकी धोती ही खोल देते हैं। गुड आइडिया, पकड़ो उसे, इसकी धोती खोलते हैं। नहीं। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल सूर्य सा अटल चलेगा तेरे संग तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमार्थ अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमार्थ बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां कबल तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल सूर्य सा अटल सालों से धोती पहनने का हमारे देश में रिवाज चलता आया है और आप इसके रिवाज का इसकी संस्कृति का अपमान नहीं कर सकते। हम फिर से इसकी धोती खोल देंगे, क्या कर लोगे तुम?
खोल के तो दिखाइए, फिर बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया अटल, ये क्या अनुशासनहीनता कर रहे हो तुम? सर, इन लोगों ने इसकी धोती खोल दी थी और अनुशासनहीनता मैं नहीं, ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे और क्या जरूरत थी इसे स्कूल में धोती पहन कर आने की? हा? लेकिन सर, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म सिली हुई नहीं थी। तो बेटा मत आते स्कूल, तुम्हारे स्कूल ना आने से इस स्कूल का ज्ञान तो नहीं कम हो जाता। बेटा अगर कल भी तुम्हारी पोशाक ना सिले ना, तो स्कूल तो मत आना। इसका मतलब सर, आप इन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे? उल्टा आप उसे कह रहे हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं है, जिसका अपमान हुआ है। अच्छा, अपमान? बेटा कह तो हम तुमसे भी कुछ नहीं रहे। बेटा पढ़ाई करने आते हो ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो स्कूल प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करो, सब कुछ बताओ उन्हें जाकर। जाओ। चलो। मिस्टर हरि प्रसाद, तुम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहे हो। उन्हें स्कूल के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी जाओ यहां से। लेकिन याद रखे कि स्टूडेंट्स रूल्स अगर फॉलो नहीं करेगा तो उनके साथ साथ तुमको भी इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर, जी। सर रुको, क्या हुआ? हमारा कैबिन में क्यों आया? सर मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। भारत की संस्कृति की आग को बचाएगा, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाएगा, ज्ञान और तर्क से अखंड काव्य गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाएगा। अपने दीप स्वयं बनो। तो छात्रों, आज के अध्याय से हमने क्या सीखा? अपने दीप स्वयं बनो। इंसान ने आसरा व आश्वासन खोजने के बजाय अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। सत्य का साथ। हाँ सर, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। आपके बेटे अटल ने तमाशा कर दिया है। अटल, क्या हुआ? क्या किया तुमने? सर, बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में किया। बताओ अटल, तुमने आखिर में क्या बताया? बताओ। बाबूजी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने बस इतना ही पूछा कि स्कूल की पोशाक धोती कुर्ता नहीं हो सकती क्या? अटल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या पूछ रहे हो? तुमने सुना क्या कहा? सॉरी सर।
घर से बाहर निकलने पर मौसम की हर मार सहनी पड़ती है, तो कभी डरना मत, ना फैसले लेने से ना विचार रखने से। बाबूजी, जब ये देश हमारा है तो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई धोती हम लोग स्कूल में आकर क्यों नहीं पहन सकते? हम भारतीय लोग हैं और हमारे लोग सालों से धोती कुर्ता पहनते आ रहे हैं, और हमारी संस्कृति की ताकत को खत्म करना ये उचित बात नहीं है बाबूजी। अटल ताकत, हम बताता है तुम्हें ताकत। ए सुनो, तुम्हारे पास 2 मिनट है, सबसे माफी मांगो या स्कूल छोड़ के भाग जाओ, और कल अगर आना है तो शर्ट और शॉर्ट्स पहन के आओ, वरना अंदर आने नहीं देगा। लेकिन सर, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? अटल, सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं धोती पहन कर नहीं आऊंगा। लो, तुम्हारा ये सांस्कृतिक ताकत 2 मिनट में खत्म हो गए, और तुम्हारा संस्कृति से उसे माफी भी मंगवा ली हमने। इतना सालों में भी तुम्हारा संस्कृति में खड़ा होने के ताकत नहीं है। तुम यहाँ स्कूल में आया सीखने को, कैसा रहन चहन के लिए, कैसे कपड़ा पहनने के लिए और कैसे पहनवाने के लिए। असभ्यता से बाहर निकलो। मिस्टर दयाल, am I right? Yes, sir. You are right. तुमने समझा? हाँ, सब समझ गया, सब अच्छे से समझ गया। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाओ। मिस्टर वाजपेयी, अपने बेटे को जब घर जाएगा उसको समझाओ कि स्कूल के कीमती वक्त बर्बाद मत करो। एक एक सेकंड पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू ड्रामे बाजी में नहीं। कैसी चली ये प्रथा है, मन की व्याकुल व्यथा है, परतंत्रता की बेड़ी में लिपटी देश की ये कथा है। हो आ गया। प्रिंसिपल सर की डांट के बाद अकल सिखाई नहीं आई हुई अटल की। वो तो नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं इसके दादाजी ने कहा था इसके भाग्य में राजयोग है। राजयोग? राजयोग तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर लगता है कि प्रिंसिपल से रोज डांट सुनने का योग है। पता नहीं क्या हुआ है इसे, उसी दिन का देख लो, दाखिला हुआ नहीं था स्कूल में, फिर भी वो टीके को लेकर भाषणबाजी की, बहस की, और आज धोती को लेकर। अरे अटल बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विद्यालय है वो, तुम्हारा घर नहीं है। अटल बेटा, जाओ कपड़े बदल कर आओ। बाबूजी, मुद्दा कपड़े बदलने का नहीं है, इसकी सोच बदलने का है।
ये जो सोचता है, जैसे बात करता है, बहस करता है, वो बदलना होगा। इसके तरीके बदलने होंगे। सुनिए ना, इसे जो भी समझाना है मैं समझाती हूँ, लेकिन इस तरह पूरे परिवार के बीचों बीच खड़ा करके डांटेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। बाऊजी, आप ही ने कहा ना कि अटल ने प्रिंसिपल सर के सामने बोला कि वो समझ गया है जो समझाया गया है ऐसे, तो फिर समझ गया होगा। आप परेशान क्यों हैं आप?